हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रीन टेक सॉल्यूशन। होप यू गाइस आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने धौवा के DVR से बैकअप निकालना है, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि बैकअप कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आपको बैकअप निकालना चाहिए। तो आज मैं आपको धौवा के DVR में दिखाऊँगा कि कैसे आपने बैकअप निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी पेन ड्राइव को या फिर कोई भी पोर्टेबल हार्ड डिस्क को जिसमें आपको डाटा चाहिए, उसमें आपको डाटा निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने हार्ड डिस्क को DVR से कनेक्ट करना पड़ेगा या अपनी पेन ड्राइव को DVR से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो DVR के पीछे क्या होता है कि USB पोर्ट होता है। उस USB पोर्ट में आप अपनी पेन ड्राइव या फिर जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क होगी या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप डाटा चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो कि 1 TB की है वो लगा दी है। तो ये देखिए, डिवाइस नेम में वो हार्ड डिस्क आ चुकी है USB करके, और उसके बाद पाथ है, देन रिकॉर्डिंग चैनल है जहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, देन स्टार्ट टाइम एंड टाइम है, और फिर फाइल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो स्टार्ट टाइम है और जो डेट है उसको सिलेक्ट करना है। डेट आप डाल दोगे, टाइमिंग डाल दोगे, उसके बाद एंड टाइम, जितने टाइम का आपको रिकॉर्डिंग चाहिए वो एंड टाइम आपको डालना है। तो जैसे ही वो डालोगे वो सब सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरी USB अभी ये इसने दिखाया 1.80 TB की है, ये 2 TB की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें टाइम डालूँगा और डेट डालूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि इसमें डाटा है कहाँ पे, क्योंकि ये जो DVR है वो ऐसे ही पड़ा था, यूज़ नहीं हुआ हुआ था। तो कहीं पे मैंने कॉलेज वगैरह में इसको यूज़ किया था एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वही हमने देखना है कि इसमें डाटा किस से किस डेट का है। तो ये देखिए, जितना भी ग्रीन मार्क आ रहा है ये सारा हमारा डाटा है। तो ये मैंने डेट और टाइम इसमें देख लिया कि किस डेट और किस टाइम का मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी डेट और टाइम इसमें सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने 2 अक्टूबर का अगर मैंने डाटा निकालना है, तो मैंने क्या किया, 2 अक्टूबर इसमें डेट डाल दिया और 12 PM का टाइम डाल दिया, दोपहर को 12 बजे का। और अगेन सेम 2 तारीख डाल दी है, 10/2/10, और टाइम डाल दिया मैंने 1 बजे का। तो इस तरह से क्या होगा, 1 घंटे की हम रिकॉर्डिंग इसमें से निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा। ये देखिए, मैंने सर्च किया, अभी ऊपर देखिए रिकॉर्ड चैनल जो है उसमें 1 है, यानी कि सिर्फ कैमरा नंबर 1 की है। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड चैनल में जाके ऑल कर देना है, ताकि जितने हमारे पास कैमरे हैं वो सब की आए। अगर आप सिंगल सिंगल कैमरे की चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल की चाहते हो तो ऑल की सिलेक्ट करोगे। तो अभी हमने रिकॉर्ड चैनल में ऑल सिलेक्ट कर दिया कि हमें सारे कैमरों की चाहिए। अब हम सर्च पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए सारी रिकॉर्डिंग आ चुकी है A to Z। तो A to Z हमारे पास रिकॉर्डिंग आ चुकी है सारी की सारी। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इसको। मान लो आपने एक फर्स्ट चैनल की लेनी है या सारे चैनल्स के एक साथ लेनी है, जितने भी आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, तो आप वो सिलेक्ट करके उसको, उसके बाद बैकअप पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हमने क्या किया, सारे के सारे हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद बैकअप पे क्लिक कर दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये टाइम शो कर रहा है कि इतने टाइम में आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी की सारी आपके पेन ड्राइव में, USB में या फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क में ये सारी की सारी कॉपी हो जाएगी। तो ये नीचे टाइमिंग आ रही है, यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस A to Z जितने भी टाइम में कंप्लीट होगा, ये देखिए जो हमारी टोटल रिकॉर्डिंग बनी है वो बनी है 11.40 GB की। तो इतनी रिकॉर्डिंग हमारी टोटल बनी है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने सारे के सारे कैमरे सिलेक्ट किए हैं, 16 के 16 कैमरे, 16 चैनल का ये DVR है धौवा का। तो हमने क्या किया, 16 के 16 चैनल्स को, कैमराज को सिलेक्ट किया है, और एक साथ 16 के 16 चैनल्स का हम बैकअप ले रहे हैं। तो इसी वजह से 11.40 GB का स्पेस ये शो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, अभी मैंने पूरे का पूरा कॉपी नहीं किया है, जितना था मैंने आपको एक बार ये दिखाने के लिए आपको दिखाया था। तो ये देखिए, XVR की फाइल के नाम से हमारे पास
ये वी सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, DAV, AVI, तो ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये सारे फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी फॉर्मेट में आपको ईजी लगे अपनी रिकॉर्डिंग देखना, तो आप उसके हिसाब से अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये छोटा सा प्रोसेस था बैकअप निकालने का धुआ के DVR से। तो नॉर्मली क्या होता है, धुआ के DVR में आप इस प्रोसेस के थ्रू ईजिली अपना बैकअप सारे का सारा निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, बैकअप आपने कैसे निकालना है, कैसे आपने USB कनेक्ट करनी है अपनी पेन ड्राइव को DVR में USB पोर्ट में कनेक्ट करना है, और उसके बाद कैसे आपने डेट टाइम सिलेक्ट करना है, तो ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें दो या तीन चीज़ें, रिकॉर्डिंग चैनल्स है, एक आपने चैनल सिलेक्ट करना है, अपने स्टार्ट टाइम एंड टाइम सिलेक्ट करना है, अपने फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, और आपने कैमराज को सिलेक्ट करना है, कितने कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उसके बाद आप सर्च पे जाएंगे, सारे का सारा आपका डाटा सर्च हो जाएगा, और उसके बाद आप बैकअप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।